सुप्रभात दोस्तों, आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। मैं आशीष और लेकर आया हूँ आपके लिए सुबह सुबह एक नया व्लॉग। नींद गई नहीं आंखों से, अभी भी आंखों में भयंकर नींद है और मैं अभी जस्ट उठा हूँ क्योंकि इन लोगों का स्कूल जाने का समय हो चुका है और मुझे शायद वापस आज उदयपुर जाना पड़ सकता है गाड़ी लेके। तो मैं भी उठ चुका हूँ, कुछ व्लॉग एडिट करने हैं मुझे फटाफट। और सुबह उठते ही मेरी एक आदत है, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा देता हूँ। मेरी टीवी ख़राब हो चुकी है, मेरे हाथ से ख़राब हुई है, मेरी गलती की वजह से मेरी टीवी जल चुकी थी तो उसको रिपेयर कराने के लिए दे रखी है और लैपटॉप के अंदर सब कुछ चल रहा है। शिवांगी अभी तक सोई हुई है और मैं अभी रम्या अभी एक केरल का एक फूड आइटम बनाने के लिए जा रही है जिसे हम पुट्टू बोलते हैं। जैसे इडली और डोसा जो बनता है सेम उसी की तरह पुट्टू भी एक वैरायटी होती है केरल की, जो अभी वो बनाने के लिए जा रही है। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी मैं आपको बताऊं कि वो कैसे बनता है। तो चलते हैं रसोई की तरफ और रम्या के साथ में वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि पुट्टू कैसे बनता है। चलिए रसोई की तरफ। ये है पुट्टू बनाने की रेसिपी, आप देख सकते हैं गैस पे। इसका बर्तन ही अलग होता है, इस तरीके से इसका बर्तन होता है। बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे चावल लिए जाते हैं, उसको भिगा के रख दिया जाता है कुछ देर के लिए। उसके बाद में उसे मिक्सी में पीस दिया जाता है। उसके बाद में वो जो पाउडर बनता है तो उसे तवे पे रख कर हल्का सा फ्राई कर दिया जाता है। गर्म तवा करके उसके ऊपर ये रख के उसको फ्राई कर दिया जाता है। साथ ही में कुछ नारियल को लेके उसको क्रश कर दिया जाता है। इसको नारियल छीलने का भी हमारे पास में अलग से, मतलब क्रश करने के लिए अलग से आइटम है। इस तरीके से नारियल को अलग से निकाल कर दिया जाता है। उसके बाद में उसको इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है और साथ में जीरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसके अंदर जीरा डाल सकते हैं। फिर इसके साथ में और फिर इसके अंदर नमक भी डाल दिया जाता है। फिर इसके साथ में ये बर्तन लिया जाता है। इस बर्तन के अंदर यहाँ नीचे तो पानी भरा हुआ आता है, ये स्टीम से बनता है, नीचे पानी भरा हुआ आता है। जस्ट इस पोर्शन में एक जाली होती है, वो जाली लगती है और इसके अंदर इस पूरे आइटम को यहाँ पर भरा जाता है और ऊपर ढक्कन रख दिया जाता है और कम से कम 15 मिनट के लिए इसको गैस पे चढ़ा दिया जाता है। 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है। अभी देखो थोड़ी देर में ये रेडी होता है तो मैं इसको आपको बताता हूँ ये कैसे इसको निकाला जाता है और कैसे इसको खाया जाता है। इसके साथ में हम चने की सब्जी रस्से वाली बना देते हैं या कुछ भी सब्जी बना सकते हैं इसके साथ, बहुत टेस्टी लगता है। चने की सब्जी और पापड़, जो केरल के पापड़ आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और या फिर हम केरल वाले केले, ये केले भी हम इसके साथ में खा लेते हैं तो अच्छा, मतलब टेस्टी लगता है ये। तो देखते हैं अभी इसको निकालते हैं और निकाल के मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से, किस शेप में होता है। ये टेस्टी बहुत होता है पर किस शेप में होता है, क्योंकि आप लोगों ने सबने इडली डोसा सुना होगा, पुट्टू के बारे में बहुत कम सुना है। ये भी हमारे वहां का एक मेन एक फूड है तो ये दिखाना जरूरी समझ रहा था मैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह कपड़े धो दिए जा रहे हैं ताकि फटाफट कपड़े धो के और रेडी कर दिए जाए वॉशिंग मशीन में। फटाफट कपड़े धो के उसको रेडी कर देते हैं। सुबह दिन खुला नहीं अभी तक, मैं तो जल्दी उठने की अब आदत हो गई है, वो चाय लेके आ जाती है, दिन पूरा खुला नहीं है। केरल में केले जो होते हैं वो दो वैरायटी के होते हैं, देखिए दिन खुला नहीं है, लोग अभी आना जाना चालू ही हुए हैं स्कूल जाने के लिए और इस तरीके से सब तैयार हो गए हैं धीरे धीरे। लाइट आनी बाकी है तो देखते हैं पुट्टू निकलने के बाद में पुट्टू की व्यवस्था कैसी है, कैसा लगता है पुट्टू। दोस्तों साथ ही में केले का एक आइटम बन रहा है, ये केरल के जो केले हैं इसका हम एक मीठा आइटम बना रहे हैं बच्चों के लिए। ये मैदा है, मैदे के अंदर और क्या डाला है, थोड़ा सा वो चावल का आटा डाला, थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स किया है और हल्दी, वो ये गुड़िया के लिए बना रहे इसलिए थोड़ा सा शक्कर डाला है
शक्कर ऑप्शनल है, नहीं डालना है, एक पिंच वो सॉल्ट नमक। तो इतना सामान अभी मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर और साथ में पानी डाल के इसको मतलब भिगा रहे हैं बिल्कुल। इसको अपन जैसे आटा करते हैं उस तरीके से कर देंगे, जैसे अपन बेसन करते हैं ना उसी तरीके से करेंगे। फिर केले को काट के इसके अंदर डुबा रहे हैं, मतलब केले को काट के इसके अंदर डुबा के और फिर तेल में इसको फ्राई करेंगे। तो बच्चों के लिए एक अच्छा खासा आइटम बन जाता है, मतलब बच्चों को बहुत पसंद आता है ये मीठा आइटम होता है केले का। तो देखते हैं इसको भी बना के दिखाता हूँ मैं, आप देखते हैं कि कैसा लगता है ये। तो बने रहिएगा साथ में दोस्तों। दोस्तों पुट्टू अब हम निकालने जा रहे हैं, तो इसके बर्तन को देखो इस तरीके से पकड़ के नीचे जो बॉईल हो रहा है पानी उसका बर्तन अलग रखेंगे और ऊपर का भाग हम खींच लेंगे। इससे ये खींचा भी नहीं जा रहा, इसको धीरे धीरे गोल गोल घुमा तब जाके खुलेगा वो। ये देखिए ये निकल गया है बर्तन, ये इस तरीके से इसका ढक्कन निकालते हैं तो पुट्टू इस तरीके से होता है। और अब इसको हम ऐसे पकड़ के पीछे से उस जाली को जैसे धक्का देंगे, ये देखिए ये पुट्टू बाहर आ गया। ये इसमें जाली होती है, ये जाली होती है जिससे पुट्टू नीचे की तरफ नहीं उतरता। और यहां पर इसके अंदर पानी है जो स्टीम होता रहता है। इसमें सबसे पहले देखिए नारियल डालते हैं, सबसे पहले नारियल डालते हैं, फिर उसमें ये चावल का जो मिक्सचर है उसको ऐसे करके मिक्स कर देंगे, फिर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे, फिर चावल का मिक्सचर डालेंगे, और उसको टॉप तक भर देंगे। और लास्ट में सबसे ऊपर नारियल के बुरादे की टॉपिंग्स फिर से कर दी जाएगी। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाएगा, इसको इसके ऊपर रख कर वापस इसके ऊपर ढक्कन लगा के कुछ देर के लिए फ्लेम फुल करके रख दी जाएगी। तो इस तरीके से बनता है पुट्टू। ये देखिए आपको पुट्टू यहाँ देखने से दिख जाएगा, इस तरीके से बनता है पुट्टू। अब इसको हम चने की सब्जी या केले के साथ यूं ही खा लेंगे, केला यूं ही इसका तोड़ के इसके अंदर मिक्स करके खा सकते हैं। ये बच्चे गुड़िया के लिए बना रहे हैं, वो उसके नाश्ता कर लेगी, वो स्कूल में जाके इसके दोस्तों के साथ में कुछ एंजॉय कर लेगी वो भी इस चीज को। बना रहे हैं हम बनाना फ्राई, इसका ये आइटम तो हम तैयार कर चुके थे। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, सनफ्लावर ऑयल है इसको लिया है, और अब हम इस केले को काटेंगे। काट कर इसके टुकड़े करके इसके अंदर इसको पूरा मतलब केले को इसके अंदर डुबा के अच्छी तरीके से इसका लेप करके फिर हम उसको सीधा तेल में डाल देंगे। तो देखिए जैसे ये केला है, इसको कटिंग किया, इसका छिलका उतार के इसको दो भागों में बांट देंगे, बांट के इसको इस लेप में डाल देंगे। मतलब आपको केले की पतली पतली लेयर करनी है, ज्यादा मोटी लेयर में क्या वो बहुत ज्यादा मोटा बन जाएगा तो मजा नहीं आएगा इसको। मतलब आप तीन टुकड़ों में काट सकते हैं, तीन टुकड़ों में, जैसे अभी एक टुकड़ा ये कटा और सेकंड टुकड़ा ये कटा,
शिवांगी के स्कूल में उसकी सहेलियां जो हैं, उसकी दोस्त हैं जितनी भी, वो सब बहुत मतलब खुश हो जाती हैं इस तरीके के आइटम्स देख के। तो हम बच्चों के लिए बना देते हैं, इसकी दो तीन सहेलियां हैं जो कि वो इसके साथ ही बैठ के खाती है, तो हम बच्चों के लिए बना देते हैं ताकि बच्चे स्कूल में पढ़े भी सही और खेले भी सही, खुश भी रहें। तेल अब गर्म होने वाला है, हो चुका है, आवाज आ चुकी है अंदर से, फ्लेम थोड़ी कम कर देते हैं उसकी। और अब इसको हम इसके अंदर फ्राई कर देंगे। अब इसको इस तरीके से डुबा के इस तरीके से तेल में फ्राई कर दिया जाता है और कुछ देर बाद इसको निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसको फ्राई करने देते हैं, फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल के इस प्लेट में रखेंगे और एक टिश्यू पेपर बिछा रखा है ताकि जो तेल होगा वो टिश्यू पेपर पे आ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद बनने के बाद हम आते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बनता है। दोस्तों देखो ये बन चुका है बनाना फ्राई, और हमने वापस अभी दूसरा फिर से वो डाला है। अभी ये थोड़ी देर के बाद में जितना भी तेल है ये टिश्यू पेपर पे चला जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसके बीच में बनाना है और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए ये था सुबह का नाश्ता। इसके अंदर मैंने इसके टिफिन के अंदर केले के चिप्स, जो हमारे केरल के केले के चिप्स आते हैं, वो भर दिए हैं, और थोड़ा बनाना फ्राई ये ले जाएगी और साथ में कुछ और भी दे देंगे ताकि बच्चे वो खाते रहें। सुबह का ये नाश्ता उनके स्कूल का जो लंच होता है, नाश्ता नहीं है। सुबह हम यहाँ से इसको दूध और बिस्किट या रोटी खिला के भेजते हैं कभी भी, और ये दोपहर का उनका नाश्ता है। बच्चे सब मिलके साथ में बैठ के एंजॉय करके खा लेते हैं इस चीज़ को। तो ये है सुबह का नाश्ता, और बाकी की बातें जो हैं वो हम कुछ देर बाद करेंगे। तो साथ में वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, साथ बने रहिएगा। दोस्तों आज का व्लॉग थोड़ा छोटा बना, उसका रीज़न ये था कि मैं दिन को आपको जो मैंने पुट्टू कैसे बनाते हैं उसका एक वीडियो बताया था मैंने आपको, उसके तुरंत बाद मैं उदयपुर चला गया था। मम्मी को हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा था तो उनको लेने के लिए गया था। अभी जस्ट आया हूँ, आप देख सकते हैं रात की 9 बज चुकी हैं, 9 बज चुकी हैं और मैं थक चुका हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ। तो अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल के ब्लॉग में फिर कुछ नए तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।